नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। दिल्ली में आतंकवादी के पकड़े जाने के बाद भारत नेपाल सीमा सहित पूरे जिले को किया गया है हाई अलर्ट। आप तस्वीरें देख रहे हैं यूपी के अमेठी से, जहां दिल्ली के में आतंकवादी के पकड़े जाने के बाद सभी जगह हलचल मच गई, जिसके बाद तुरंत ही आनंद फानन में शासन और डीजीपी के आदेश पर सभी जिलों को अलर्ट मोड में कर दिया गया। वहीं यूपी का लखीमपुर खीरी भी इससे अछूता नहीं रहा। आदेश आने के बाद लखीमपुर खीरी जिले सहित भारत नेपाल की खुली सीमाओं पर हाई अलर्ट कर दिया गया। दरअसल हाई अलर्ट का आदेश होते ही लखीमपुर खीरी जिले के पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर जिले सहित सभी भारत नेपाल की खुली सीमाओं पर 30 अगस्त तक के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखा जाए तो भारत नेपाल की खुली सीमाओं में अक्सर घुसपैठी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसको लेकर सीमा पर चौकसी बरकरार रखनी पड़ती है। इसी के मद्देनजर हाई अलर्ट होने पर पूरे जिले में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने अपनी पूरी टीम के साथ रूट मार्च किया, साथ ही साथ जिले की गतिविधि पर नजर रखी। तो वहीं जगह जगह पुलिस बल भी तैनात किया गया, जिसके बाद जिले सहित भारत नेपाल सीमा पर जगह जगह वाहन चेकिंग शुरू की गई, लोगों की सघन तलाशी ली गई। इसके अलावा संदिग्ध लोगों पर भी कड़ी नजर रखी गई। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस और आईबी के साथ एसएसबी की ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जाने लगी है। सीमा पर अब सुरक्षा एजेंसी की पैनी नजर है। प्रशासन के द्वारा भी जिले में संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आने जाने वाले सामानों और गाड़ियों की भी सघन तलाशी की जा रही है, जिससे कि जिले में कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। आप देख रहे हैं लखीमपुर से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। जी, उस दिल्ली में जो एक आतंकवादी पकड़े गए हैं, उसी के मद्देनजर शासन और डीजीपी साहब की तरफ से यहाँ पे अलर्ट घोषित किया गया है। उसी के तहत हम सब लोग यहाँ पे आने जाने वाहन और जो है अवैध, इसके कोई शस्त्र तो लेके नहीं जा रहा है, इन सब की चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग जो है अनवरत जारी है। बॉर्डर पे किस तरह से चेकिंग? बॉर्डर पे एसएसबी, आईबी और पुलिस की जॉइंट पेट्रोलिंग की जो टीम है वो लगातार गश्त कर रही है, लगातार वो चेकिंग कर रही है। और ये अभी आने वाले 30 तारीख तक ऐसे ही सब जारी रहेगा।